हम माँ बानी, धरती माँ, दुगो अनुचित कार्य मिलके एगो उचित कार्य ना बनावे ले, दुगो नकारात्मक क्रिया मिलके एगो सकारात्मक क्रिया के जन्म ना दे ले। केहूं के अनैतिक कार्य के उत्तर अनैतिकता से देहल भी कौनो समस्या के समाधान नहीं थे। यदि केहूं अपन स्तर से नीचे गिर के बात करे तो ओकर उत्तर देवे खातिर उतना ही नीचे स्तर तक गिर जाएल भी असभ्यता के प्रतीक बा। एमे संदेह नहीं थे कि विरोचन और बलि के संगे देवता लोग जौन कुछ कैले वो अत्यंत अन्यायपूर्ण रहल, एगो क्रूर और असभ्य कार्य रहल। परंतु ओकर उत्तर में जब बलि ई अभियान आरंभ कैलस कि जे भी देवता लोग के आदर करी, बलि ओके आपन अपमान समझी, ओके दंड दी, तो ओ भी एगो चरमपंथी नीति अपनावत रहल। विशेषतः ओकर मानव लोक पर आक्रमण त कौनो भी प्रकार तर्क संगत ना रहल। हमके ई देख के हर्ष भइल कि देवता लोग के आपन भूल के आभास हो गइल और भगवान श्री विष्णु उनके क्षमा भी कर दिले। हमके बड़ी प्रसन्नता होगी यदि उ बलि के भी सत्य के मार्ग दिखाई हैं। हम उनकर अनुपम और अद्भुत लीला देखे खातिर व्याकुल बानी। उनके वामन अवतार के रूप में देख के हमके आनंद मिल रहल बा। ई सब उ काहे चुनले ई जाने खातिर हम भी उत्सुक बानी। ई उ मार्ग ना रहल बलि जे हमार भक्त प्रहलाद चुनले रहल। इता हिरण कश्यपु के प्रवृत्ति के मार्ग रहल, जेकर दमन चक्र के रोके खातिर स्वयं हमके नरसिंह अवतार धारण करे के पड़ल रहल। जब तू वो मार्ग पर अत्यधिक आगे बढ़ चुकल रहला बलि, तब तोहके आपन भूल के आभास अवश्य भइल रहल। बाकी तब तक तू स्वयं वो मार्ग से लौट के ना आ सकत रहला। तोहके सत्य के मार्ग पर केवल ईश्वर ही ला सकत रहले, और यही से हम ई वामन रूप धारण कैनी। प्रणाम माता, राउर जय होखे। आयुष्मान भववत्स, सर्वेश्वर तोहके बता देवे के चाहत रहले कि जौन प्रकार दीपक ई जान लेला कि सूर्य प्रकाश में ओकर अस्तित्व के कौनो महत्व नहीं खे और बुझ जाला, ओही प्रकार प्राणी के भी ई जान लेवे के चाही कि ईश्वर के शक्ति के समक्ष ओकर कौनो महत्व नहीं खे और ओके उनका आगे सिर झुका देवे के चाही। अभी लक्ष्य पूरा हो चुकल बा, तोके सत्य के ज्ञान हो चुकल बा। हमार सिर झुक चुकल बा माते, और यही से हम दोनों तोहसे अत्यंत प्रसन्न बानी। हे बलि, तू दान दीक्षा के एगो ऐसन उदाहरण दे देले बाड़ा जे समस्त संसार के रहत भुलावल ना जा सकेला। वत्स, तू आपन प्रजा के न्याय देहला, परिवार के स्नेह देहला, बस एगो भूल कैला तू, आपन क्रोध में आपन सीमा भुला गईला। बलि, जीवन के महानतम लक्ष्य सीमा के निर्धारण ही तो बा। हम तोहसे अपार स्नेह करेनी, हम आपन कृपा से तोहरा खातिर भंडार के मुख खोल रख ले रहनी, कहे कि तू धन के सदुपयोग करत रहला। अब हमार लक्ष्य पूर्ण हो चुकल बा, और हम तोहके क्षमा भी कर चुकल बानी। अब हमके क्षीर सागर लौटे के बा, परंतु जाए से पहले हम तोहके तोहार राज्य लौटा रहल बानी वत्स। यदि एकर अतिरिक्त तोहार कोनो और इच्छा होखे तो व्यक्त करा, ओकर पूर्ति करे में हमके आनंद होखी। केवल एक ही इच्छा बा प्रभु, हमने दिन रउआ दोनों के दर्शन करे के चाहत बानी। भोर भैला जब हमार नेत्र खुले तब हम रउआ दोनों के आपन समक्ष देखे के चाहत बानी। तथास्तु।
हम तोहके वचन देत बानी वत्स कि जब तक तू जीवित रहबा नित प्रातः हमके आपन द्वार पर ओही तरह उपस्थित पाइबा जौन प्रकार तोहार द्वारपाल रहेली। हम तो सदैव तोहार संगे बानी, तू हमार लाडला बाड़ा, सदैव हमार आशीर्वाद तोहके प्राप्त रही। जगदीश्वर राउर जय होखे। हे माता राउर जय होखे। हम माँ बानी, धरती माँ, व्यक्ति होखे अथवा राष्ट्र, ओकर चरित्र निर्माण की क्रिया में गुरु के बहुत महत्व बा और गुरु बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभावेला। जीवन के सत्य और ईश्वर के पहचान भी द गुरु ही करावेला। गुरु उदार होखे त शिष्य उदारता के प्रतिबिंब हो जाला। गुरु अभिमानी होखे त शिष्य पर भी ओकर प्रभाव पड़ेला। प्रहलाद और बलि के जीवन एकर सबसे बड़ा उदाहरण बा। प्रहलाद के देवर्षि नारद जैसन गुरु मिलले और वो भक्ति के इतिहास में अमर हो गईले। बलि के शुक्राचार्य जैसन गुरु मिलले और फिर वो अभिमान के धारा में बहके जौन कुछ कैलस ओकर निवारण खातिर भगवान श्री विष्णु के वामन अवतार लेवे के पड़ल। हमके उनकर पावन पग के स्पर्श मिलल और हम धन्य हो गईनी। वामन के अवतरण के दिन आज तक दक्षिण भारत विशेषकर केरल में ओणम के रूप में मनावल जाला। ओणम राजा बलि के दानशीलता के द्योतक बा। ई त्योहार नव वर्ष के उत्सव के रूप में पूरा प्रदेश में बड़ा धूमधाम से मनावल जाला। नौका दौड़ ए उत्सव के विशेष आकर्षण बा। हमके ना तो वामन के अवतरण भूल सकेला और ना राजा बलि के दानशीलता। हमके आज भी दोनों बहुत प्रिय बा। हे कमल नयन, हम बहुत देर से दूर खड़ा रवा के निहारत रहनी। क्षमा करी महादेवी, हमके राउर आवे के आभास ही ना भई। जब रवा सृष्टि के चिंता में लीन होखेनी तो सदा राउर इहे दशा होखेला। जेके सारा जग के चिंता होखे ओके इतना अवकाश ही कहाँ। ना महादेवी, ई बात नहीं खे। रवा तो हमार तन मन में रमल बानी। बल्कि हम तो ई कहब कि जब भी हम स्वयं के देखेनी ता हमके अपना भीतर भी रउए झलक दिखाई पड़ेला। परंतु हे कमल नयन, जेकर मुस्कान मुख की कल्पना मात्र से मन में कमल खिल उठत होखे और मुख पर चिंता की छाया होखे तो सारा सृष्टि अंधकार में डूबल लगे लगेला। रउआ वामन रूप लेके बलि के अहंकार के समाप्त कर देले रहनी। रउआ ओ संधि के फिर से प्रस्थापित कर दिखौनी जेकर अंतर्गत सदा खातिर देवलोक पर देवता लोक के, असुर लोक पर असुरन के और मानव लोक पर मानव के अधिपत्य बनल रही। तो फिर हे क्षीर सागर वासी, रवा कौन चिंता में डूबल बानी। हे महादेवी, यदि क्षितिज पर प्रकाश और अंधकार एक दूसरा से मिल रहल होखे परंतु जानना पड़ रहल होखे कि प्रकाश अंधकार में खोल जा रहल बा या अंधकार प्रकाश के निकल रहल बा। यदि विष और अमृत के धारा आपस में टकरा रहल होखे परंतु ई ना जान पड़ रहल होखे कि विष अमृत पर प्रभाव डाल रहल बा या अमृत विष पर। यदि मीठा और खारा जल के धारा आपस में जूझ रहल होखे परंतु ई ज्ञात ना हो रहल होखे कि मीठा पानी खारा भइल जा रहल बा या खारा पानी में मिठास आ रहल बा, तो चिंता तो अवश्य होखी। कहे के तात्पर्य ई बा महादेवी की समस्त घटना चक्र में एगो ऐसन घटना घटल बा
जौन ना होखे के चाहत रहा। बल्कि हम तो ई कहब कि ये घटना ऐसन घटना बा जेकर परिणाम बहुत समय उपरांत ही ज्ञात होगी। हम समझनी ना पद्मनाम। महादेवी, असुर और मानव आक्रमणकारी और आक्रमण के लक्ष्य के रूप में ही सही, बाकी एक दूसरा के संपर्क में आ गइल बाड़े। तो का भइल कमल नयन? तो का भइल महादेवी, यदि ये संपर्क के कारण असुर में मानव के गुण आ जाए तब तो अति सुंदर होगी, परंतु यदि कहीं मानव में असुर के गुण के समावेश हो गइल तो ये बहुत बड़ा दुर्घटना होगी। मानव के मस्तिष्क में अहंकार भर जाई और वो स्वयं के ईश्वर माने लगी। बाकी ऐसन काहे होखी? हम कब कहनी की ऐसन होखी? महादेवी, का होखी त विधाता ही जाने। बाकी ऐसन हो सकेला इतना तो हम अवश्य सोच सकेनी। और महादेवी, हमारी ये सोच के एगो कारण भी बा, और वो कारण ई बा कि मानव जितना सुंदर बा उतना ही उतावला, वो जितना बलवान बा उतना ही दुर्बल, और ओकर हृदय जितना विशाल बा उतना ही वो लोभी भी बा। और हमार चिंता ई बा महादेवी कि कहीं ओकर उतावलापन, ओकर दुर्बलता, ओकर लोभ ओपर विजय ना पाले, जैसे ओकर अवनति हो जाए और मानव के अधोगति के विचार मात्र ही हमके व्याकुल कर देला। महादेवी, हम माँ बानी, धरती माँ, हम तोहके जौन युग के कथा सुना रहल बानी, उ बहुत अद्भुत युग रहल। शिक्षा, ज्ञान और विद्या के दृष्टि से उ महान युग रहल। धरती पर सरस्वती की कृपा के शीतल छांव बिखरल रहल। वशिष्ठ, अंगीरा और जमदग्नि जैसन महान ऋषि दोनों हाथ से विद्या के धन लुटावत रहले। मानव लोक में उनका यश के धूम मचल रहल। उनका आश्रम ज्ञान विज्ञान के मंदिर रहल। नित दिन नया वैज्ञानिक आविष्कार होखत रहल। विद्यार्थी और शिक्षार्थी के भीड़ ए आश्रम की ओर ऐसे खिंचत रहल जैसे पुजारी तीर्थ स्थान की ओर खिंचेले। ए आश्रम के द्वार सबका खातिर खुलल रहल। ऋषियों की लोकप्रियता अपन शिखर पर पहुंच चुकल रहल। उनकर धर्म संसद राजा लोक के पथ प्रदर्शन करत रहल। उनका आचरण पर कड़ा दृष्टि भी रखत रहल। परंतु जैसन की अक्सर देखल गई बा, मनुष्य बहुत जल्दी प्रतिबंध से घबरा जाला। धर्म संसद के कड़ा दृष्टि कुछ राजा लोक के अखरे लागल। ओ ऋषि लोक के आपन प्रतिद्वंद्वी समझे लगले। धर्म संसद के रूप में ऋषि के शक्ति से उनके भय लागे लागल। ओ घुटन महसूस करे लगले और ऋषि लोक के शक्ति के ललकारे खातिर उतावला हो उठले। ऐसन राजा सबके अगुवाई करत रहले महिष्मति नरेश, राजा सहस्त्रार्जुन। राज पुरोहित, रहुआ हमार दीहल गई सुविधा के अनुचित लाभ उठा रहल बानी। हम के आखेट पर जाए से रहुआ के रोके के साहस कैसे भइल? क्षमा करी महाराज, किंतु हम जवन कुछ भी कहनी राउर और समस्त राज्य के हित में कहनी। ग्रह के दशा ये बात के अनुमति नहीं देत कि कल रउआ आखेट पर जाई। ग्रह दशा कहत बा कि यदि रउआ आखेट पर गईनी त कुछ भी अशुभ घट सकेला। हम अच्छा तरह से जानत आनी कि ग्रह दशा, ये भविष्यवाणी, ये लगन और इस समय के निर्धारण हम जैसन राजा पर अंकुश लगावे के बहाना बा। ये ढंग से रउआ लोग हमनी के स्वतंत्रता के अपना वश में करे के चेष्टा करेनी। ये सब आडम्बर रउआ जैसन विद्वान ही सरचे नी कि हमरा जैसन राजा रउआ लोग के अधीन रहे। हम आखेट पर जाइब और हमारे निर्णय के केहू ना बदल सकेला। महारानी के जय होखे। राजपुरोहित उपस्थित होखे के चाहत बड़े। इतना प्रातः
अभी तो सूर्योदय ही भइल बा। उ कहत बाड़े के रउवा से मिलन अत्यंत आवश्यक बा। ठीक बा, उनके बिठावा हम आवतनी। जी महारानी। रवा स्थान ग्रहण करी। प्रणाम महारानी। प्रणाम। इतना सबेरे कष्ट देवे खातिर क्षमा चाहत बानी। दासी कहत रहल कौनो आवश्यक कार्य बा रउआ के। हाँ महारानी। तो फिर कहीं? महाराज सहस्त्रार्जुन आज आखेट पर जा रहल बारे। ये तो कौनो नया बात नहीं है पुरोहित जी, और ना ही हमें के ऐसन आवश्यक सूचना समझत बानी जेकरा खातिर सूर्योदय होकते ही केहू के कष्ट दिहल जाए। कष्ट देवे खातिर एक बार फिर क्षमा चाहत बानी महारानी, किंतु अति आवश्यक कार्य ही बतावल रहल कि महाराज की आज आखेट पर गयल उचित नहीं खे। काहे? काहे कि ग्रह के दशा उत्तम नहीं खे। ये बात रहुआ महाराज सहस्त्र अर्जुन के ना बतौनी? बतौले रानी, किंतु। किंतु का? किंतु वो हमार बात सुनल अनसुनल कर दिले। हम तो उनके रोके में असमर्थ रानी, किंतु जनहित हमके विवश कर दिहलस कि भोर होकते हम रउआ के कष्ट दी और रउआ से निवेदन करी कि रउआ उनके आखेट पर जाए से रोकी। यदि वो आज आखेट पर चल गई लें तो कुछ न कुछ अनर्थ होके रही। रउआ यहाँ आवे के कष्ट काहे के नहीं महारानी? हम आखेट पर जाती तो रउआ से मिलके ही जाती। हमके ई खातिर आवे के पड़ल महाराज कि हम नहीं चाहत के आज रउआ आखेट पे जाई। काहे? समझ गए नहीं। हमार राज पुरोहित तो हमके वश में ना कर सकेले हैं, यही से हमके वश में करे खातिर वो राउर आश्रय लेले बड़न। राज पुरोहित कहले बड़े कि आज ग्रह दशा उत्तम नहीं खे। रहुआ भी केकर बात में आ गई नी महारानी। ये राज पुरोहित लोग के अपन महत्ता जतावे खातिर ये सब आडंबर रचे के पड़ेगा। ग्रह दशा, शुभ घड़ी, उत्तम लग्न, ना ही ये बात के कोनो महत्ता बा और ना ही ये ढोंग के। ठीक बा, तो एके हमारे विनती जान के मान लीही और आखेट पे मत जाई। रहुआ अच्छी तरह से जाना था नी महारानी कि हम राउर बात कभी ना टाला, परंतु हमके खेद बाकी हमके राउर बात टाले के पड़ता। जौन अतिथि लोग के हम निमंत्रण देले बानी वो का सोची हैं? और अब तो हमके सिद्ध करे खातिर जाए के ही होखी कि ही केवल ढोंग बा। राज पुरोहित के बात में ना तो कोनो तर्क बा और ना ही कुछ सत्य बा। Thank you.
के बाड़ा तू बालक? हम ऋषि जमदग्नि की पुत्र कलश बानी। तो हमनी के मार्ग रोक के काहे खड़ा बाड़ा? हट जा सामने से। हम राउर मार्ग नहीं रोके ले, रउआ हमार मार्ग पर आ गेल बानी। देखत नहीं ई पद पर हमनी के आश्रम बा। रउआ क्षमा करब, अभी तक हमके राउर परिचय ना मिलल। का तू हमके ना पहचानला? पहचान ले ले होखती तो रउआ के परिचय देबे के कष्ट काहे दिहती। ऋषि पुत्र बाड़ा ना, यही से अपन सीमा के उल्लंघन करत तोरा भय नहीं खेलागत। हम तो के छोट बालक समझ के क्षमा करत आनी। हम महिष्मती नरेश महाराज सहस्त्र अर्जुन बानी। प्रणाम महाराज, बड़ा प्रसन्नता भइल राउर दर्शन करके और राउर नाम जान के। सुन ले बानी, तोहर पिता के आश्रम में बड़ा सुंदर मृग समूह बा। रउआ ठीक सुन ले बानी महाराज, हम उनका आखेट करे खातिर आयल बानी। रउआ इहे ठहरी, हम पिताश्री से पूछ के आवत बानी कि रउआ अंदर आ सके ने कि ना। रुक जा पुत्र। इससे पहले के तोहार मुख से महाराज सहस्त्रार्जुन खातिर कोनो श्राप या अपशब्द निकले, हम उनसे कुछ पूछे के चाहत बानी। महाराज, रउआ हमार पुत्र पर प्रहार काहे कैनी? ओके, ई जतावे खातिर कि राजा से प्रश्न ना कैल जाला, राजा के मार्ग ना रोकल जाला। एकर ही साहस कि हमसे कहे कि हम ये आश्रम में तबे जा सकेनी जब रउआ एकर अनुमति दे। का शिष्टाचार ई नहीं के कहत महाराज कि केहू के घर में प्रवेश करे से पहले ओकर अनुमति लिहल जाए? घर जौन धरती पर ही घर बनल बा, वो धरती हमार बा, ये पूरा धरती हमार बा, यही से धरती पर जौन भी वस्तु बनल बा वो हमार बा। मानव तो धरती के क्षणिक स्वामी होखेला महाराज, क्षणिक स्वामी। धरती के प्रथम और अंतिम स्वामी ईश्वर ही बाणे। रउआ से पहले भी ये धरती पर कई गो स्वामी अइले और चल गेले, और राउर उपरांत भी कई गो आके चल जाई है। का भेल स्वामी? का भेल स्वामी? अपन पुत्र के देखा। पुत्र? पुत्र तोके घायल के कैलस? महाराज सहस्त्रार्जुन, हमार प्रार्थना बाकी रुआ यहां से लौट जाएं। और जदि हमरा और विनती अस्वीकार कर देता तो फिर जौन कुछ भी होखी ओकर उत्तरदायी तो हमारा पर ना होखी। देखी ऋषिवर, हम यहां आखेट करे आयल बानी और आखेट करके ही जाइब। रउआ में इतना साहस इतना बल नहीं खे कि रउआ हमार मार्ग रोक सकी। अन्याय के रोके खातिर शारीरिक बल और शक्ति की आवश्यकता ना होखेला महाराज, ओके नैतिक शक्ति से भी रोकल जा सकेला। और हम यही साधन से राउर मार्ग भी रोक ले। शेष लोग धरती पर लेट जा। महाराज सहस्त्रार्जुन, यदि रउआ में इतना साहस बा, इतना बल बा कि रउआ इनके कुचल के हमारा आश्रम में जा सके नहीं तो जाई जाई, अन्यथा लौट जाई महाराज, लौट जाई। चला। उठ जा शिष्य लोग। आओ पुत्र। महादेवी, रउआ हमसे हमार चिंता के कारण पूछत रहनी ना, यह बा हमार चिंता के कारण।
यही क्षण के शंका हमार मन में रह रह के उभरत रहल। देखनी रवुआ, देखनी असुर और मानव के क्षणिक संपर्क आपन रंग दिखा रहल बा। हाँ कमल नयन, हम बड़ा दुख से देख रहल बानी कि जौन मानव के घास भी चुभे तो रउआ व्याकुल हो जानी, जौन मानव के तनिक भी कष्ट होके तो राउर योग निद्रा तक टूट जाला। उहे मानव आज ई भूल के आपन तेज, आपन यश और आपन शक्ति पर इतरा रहल बा, परंतु ई तेज ओके के देहलस, ओकर ई यश कीकर देहल उपहार बा, ओकर शक्ति केकर कृपा के दान बा। हम मानव कथा के यही मोड़ से चिंतित रहनी महादेवी। मानव जब इतना दुर्बल हो जाला कि हर दुर्बलता ऊपर विजय प्राप्त कर लेले, तो अहंकार के आधिपत्य स्वीकार कर लेला। महादेवी जब दिन डूब जाला और अंधकार छा जाला, तो हर वो वस्तु जौन प्रकाशमान रहल अंधकार में लुप्त हो जाले। महादेवी वो वस्तु होखेला अपना ही स्थान पर, परंतु केवल अंधकार के कारण दिखाई न देवेला। वही प्रकार जब मानव मस्तिष्क में अहंकार के आधिपत्य जम जाला महादेवी, तो मानव अपन ही सीमा के लांघ जाला। वो जौन नियम के पालन करत रहल, वो नियम भी कहीं खो जाला। सीमा के उल्लंघन और नियम के भूल जाइल एगो दुखद कथा के आरंभ होखेला महादेवी। हे कमल नयन, मानव रउआ के दुख दे रहल बा, एमे ओकर कौनो भला नहीं खे। बड़ा दुखद हो की उ दिन जब रउआ के मानव के विरुद्ध कौनो पग उठावे के पड़ी। यह भय हमके भी लग रहल बा महादेवी, यह भय हमके भी लग रहल बा। हम सदैव मानव के रक्षा कैले बानी, ओके कृपादान देले बानी, बाकी लागत बाकी मानव उनके भूल रहल बा। महादेवी रउआ जानत बानी कि मानव के दुख के गाथा कहां आरंभ होखत बा? जब मानव मानव से टकराला, जब वो मानवता के भूल के दोसर मानव के शत्रु बन जाला। हे प्रभु, एमे राउर का भूमिका होगी? महादेवी रउआ सदैव हमके दोषी के विरुद्ध और निर्दोष के संगे ही पाइब, अत्याचारी से दूर और दुर्बल के संगे ही पाइब। यह होखत रहल बा और यह होखत भी रही। ऋषिवर, अब रउआ कुछ भी कहे की आवश्यकता नहीं खे। हम सब ऋषिगण के ये दुखद घटना के सूचना मिल चुकल बा। महाराज सहस्त्रार्जुन जौन कैले वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बा, और ई कोनो राजा के शोभा नहीं खे देत। सहस्त्रार्जुन के एकर दंड मिले के ही चाही। ऋषिगण, हम एक घटना के मात्र एको घटना माने खातिर तत्पर नहीं थी। हम के एक घटना में एगो नया प्रवृत्ति के सूत्रपात दिखाई पड़ रहल बा। हे ऋषिवर, हमने राउर कथन में छुपल संकेत के भेद जाने में असमर्थ बानी। कृपया हमने के स्पष्ट करी कि ये कौन प्रवृत्ति के सूत्रपात बा। हम बहुत समय से देख रहल बानी कि कुछ राजा और सम्राट गण हम ऋषि लोक के अस्तित्व के अपना खातिर चुनौती माने लागल बाड़े। वो हमने के परामर्श के हस्तक्षेप, हमने के उपदेश के अपना ऊपर अंकुश, और हमने द्वारा दिहल गए मार्गदर्शन के अपन स्वतंत्रता के हनन समझे लागल पड़े। उन्हें ई भ्रम हो गई बा कि आश्रम राज शक्ति के समानांतर एगो शक्ति बनत जा रहल बा। वो माने लागल पड़े कि आश्रम राजनीति के केंद्र बन गई बा। महाराज शस्त्र अर्जुन द्वारा ऋषि जमदग्नि के पुत्र कलश पर ही निर्मम प्रहार बात के संकेत बा कि राजगण आश्रम संस्थापक पर प्रहार करे खातिर उतावल हो रहल बाड़े। बाकी हमनी के तक अभी राजशक्ति के चुनौती देहनी ही ना ऋषिवर। समस्त संसार जानत बा कि हमनी के आश्रम शिक्षा और विज्ञान के केंद्र रहल बा, राजनीति के केंद्र ना। हमनी के आश्रम संसार के विद्वान और वैज्ञानिक दिले बाणे, राजनीतिज्ञ ना। ऐसन संसार जानत बा ऐसन हमनी के समझे नी, किंतु राजा लोग के यह भ्रम बा कि हमनी के उनके ललकार रहल बानी। तका एकर अर्थ ही भइल ऋषिवर कि हमनी के महाराज सहस्त्रार्जुन के अत्याचार के ऐसी चुपचाप सहन कर ली, पी ली कदा पीना।
रौर पुत्र पर प्रहार समस्त धर्म संसद पर आदर और सम्मान के प्रहार के समान बा। रौर कथन उचित बा। महाराज शस्त्र अर्जुन के सप्त ऋषि सभा के सम्मुख प्रस्तुत होके आपन दुष्कर्म के उत्तर दायित्व लेवे के होखी। महाराज शस्त्र अर्जुन तक की संदेश पहुंचा दी कि कल उस सप्त ऋषि सभा के समक्ष उपस्थित होके। जौन आज्ञा ऋषिवर। रउआ ता कारण ही भयभीत होकर रहनी राजपुरोहित जी, ग्रह दशा के अनुमान लगावे में अवश्य कोनो त्रुटि हो गई होखी। ना महाराज, हमार अनुमान में कोनो त्रुटि संभव नहीं खे। हमके तक कुछ भी नहीं खे भेल राजपुरोहित जी। जौन प्रकार सकुशल हम आखेट पर गए रहनी, वही प्रकार सकुशल हम आखेट से लौट भी आईनी। क्षमा करी महाराज, किंतु दुर्घटना अपन आवे के सूचना ना देवेला। जब वो अचानक सामने आ जाला तबे ओकर अस्तित्व के ज्ञान होखेला। ये जानल बहुत कठिन बा महाराज कि विदा होखे वाला पल के स्थान पर जौन नया पल आई वो जीवन में का संदेश लेके आई। हम जौन कुछ भी कहले रहनी ओकर स्रोत एगो विज्ञान बा, यही से ओकर परिहास कैल उचित नहीं है महाराज। माहिष्मती नरेश के जय होके धर्म संसद से एगो ऋषिवर सप्त ऋषि सभा के एगो संदेश लेके आइल बाड़े। संदेश वाहक के आदर सहित उपस्थित कैल जाए। जौन आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज सहस्त्रार्जुन। हम राव रागमन के उद्देश्य जानल चाहता नहीं। हम धर्म संसद से रहुआ खातिर संदेश लेके आयल बानी। संदेश सुनावल जाए। धर्म संसद ई इच्छा प्रकट कैले बा कि महिष्मती नरेश कल प्रातः ओकर समक्ष उपस्थित होखी। इच्छा के कारण बतायल जाए। क्षमा राजन, कारण के विषय में हम कुछ भी कहे में असमर्थ बानी। और यदि हम धर्म संसद के इच्छा के आदर कैल अस्वीकार कर देता। ना महाराज ना, ऐसन कोनो भी निर्णय लिहल सर्वथा अनुचित होगी। यदि सप्त ऋषि इच्छा व्यक्त किले बने तब हम के ऋषि लोग के इच्छा से आदेश के दुर्गंध आ रहल बा, और हम नहीं खी चाहत कि ऋषि हम के आदेश दें। यही से जाके कह दा ऋषि लोग से कि हम के उनकर निमंत्रण स्वीकार नहीं खे। जैसन महाराज के इच्छा, परंतु हमारे को परामर्श बा कि ए प्रकार के कोनो निर्णय करे से पहले रउआ अपन महामंत्री व अन्य सामंत से विचार विमर्श अवश्य कर ली। प्रणाम। ठहरी ऋषिवर, ठहरी। महाराज, धर्म संसद के तिरस्कार बुद्धिमता ना होगी। धर्म संसद के निमंत्रण पर ना गईल रोष के कारण बन जाई। रउआ कहे के का चाहता नहीं। प्रजा धर्म संसद के बहुत आदर करेले, यदि धर्म संसद के अपमान भइल तो प्रजा विरोध भी कर सकेले। रउआ जाई ऋषिवर, महाराज धर्म संसद के समक्ष अवश्य प्रस्तुत हुई हैं। प्रणाम। रउआ ये अधिकार।
राउर नेत्र के संकेत हमार होंठ से देले रहल महारानी, यही से हम कुछ कह ना सकनी, परंतु हमारो से धर्म संसद के निमंत्रण स्वीकार कैल हमके अच्छा ना लगल। क्षमा करी स्वामी, परंतु ओ समय रहुआ आवेश में रहनी और आवेश में लिहल जाए वाला निर्णय बहुधा हानिकारक सिद्ध हो खेला। हम राजा बानी महारानी और ये धरती के बहुत बड़े क्षेत्र के स्वामी बानी, एक क्षेत्र पर हमारा आधिपत्य बा, हमार राज्य बा, एक क्षेत्र में रहे वाला समस्त प्राणी हमार आदेश के पालन करेले, ऋषि भी यही क्षेत्र के वासी बाड़न, उनके भी हमारा आदेश के पालन करे के चाहे, हम उनका आदेश के पालन कहे करें। स्वामी, इस सत्यबा के ऋषिगढ़ भी ये क्षेत्र के वासी बाड़े, परंतु ये भी सत्यबा कि हमनी के जौन जीवन प्रणाली के माने नी ओमे ऋषि लोक के एगो विशेष स्थान बा। ऋषि लोक के स्थान हमार उदारता के कारण मिलल बा महारानी। परंतु मिलल तो बा, एकर अर्थ ही तो नहीं खे क्यों हमसे टकराए लगे, हम पर आदेश चलावे लगे ना महारानी। ऋषि अपना आप के आवश्यकता से अधिक शक्तिशाली समझे लगल बाड़न, इनका शक्ति पर अंकुश लगावे के होखी। हमार विचार में अनुचित होखी। काहे अनुचित होखी? हे राजन, वो हमनी से दूर अपन संसार में मग्न बाड़े, शिक्षा दान करके समाज के सेवा कर रहल बाड़े, समाज के अच्छा नागरिक दे रहल बाड़े, लोभी नहीं खन, वो धन और सत्ता नहीं खन चाहत। सत्ता ना चाहे ले, परंतु सत्ताधारी के नीचा अवश्य दिखावे के चाहत बाड़न, बार बार ये बात के जतावे के चाहत बाड़न कि राजा के लगे शारीरिक बल बा, यही से उकर मान कम बा, ऋषि लोग के लगे बुद्धि बल बा, यही से उनकर श्रेणी ऊंचा बा, और धन महारानी रहुआ जानत बानी आश्रम में कितना धन बा, उनका लगे राजकोष से अधिक धन बा महारानी। ये धन तो उनके उनका शिष्य लोग देले बाड़े, वो तो शिक्षा खातिर शुल्क भी ना ले वेले। रहुआ कुछ भी कहीं महारानी, हमार वहां जाए के मन नहीं के चाहत, परंतु बुद्धिमत्ता के इहे मांग बा, यदि रउआ समझत बानी कि ऋषि लोग राज शक्ति की ललकार रहल बाड़े, तब भी राउर उनका लगे जाइल और हर बात के तर्क के तुला में तौलल आवश्यक बा। हम बस ये सोच के रउआ और से उनका निमंत्रण स्वीकार कर ले रहनी, और हमार बिनती बा, हमके विश्वास बा कि रउआ हमार लाज रखब। बैर करे विद्वान से जो वो है नादान, पूंजी हर एक देश की होते हैं विद्वान, जो विद्या के केंद्र हैं मंदिर उनको जान है, शिक्षा ही में निहित मानव का उत्थान, मानव का उत्थान। जो सुने पथ पे चल सुजान विष्णु पुराण।